हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसबीसी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक क्वेश्चन। इन द सर्किट ऑन द करंट थ्रू द 4 ओम रजिस्टर इज 1 एम्पियर। व्हेन द पॉइंट्स पी एंड एम आर कनेक्टेड टू डीसी सोर्स वोल्टेज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स एम एंड एन इज। देखो, इन दोनों पॉइंटों के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। अगर इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है तो अगर इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है, अगर ये कैलकुलेट हो जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे वी आर आई आर से। लेकिन करंट इसका इस रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो कर रही है वो पता होना चाहिए, तब हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं एन और एम के बिटवीन। अब क्वेश्चन में हमें जानकारी दे रखी है इस 4 एम में कितनी करंट है। 1 एम्पियर करंट है, 1 एम्पियर, ये हमें गिवन है। और वोल्टेज यहां पे एक डीसी सोर्स वोल्टेज लगाया गया है, ऐसे यहां पे एक डीसी सोर्स वोल्टेज लगाया गया है, ये डीसी सोर्स, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। देखो, ये जो पॉइंट है ना आपका, ये वाला और ये वाला, अगर इसका पोटेंशियल में वीपी मान लूं या जीरो वी, चलो जो वीपी मान लेता हूं, अगर इसका पोटेंशियल में वीपी मान लूं तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी वीपी होगा, क्योंकि ये आपका सिंपल वायर से कनेक्टेड है। अच्छा, और इस पॉइंट का मैं पोटेंशियल वी एम मान लूँ तो इस वाले पॉइंट का भी पोटेंशियल वी एम होगा, क्योंकि ये भी एक सिंपल वायर से कनेक्टेड है, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, तो इसका पोटेंशियल सेम होगा वी एम। अब देखो, इसमें अगर करंट आई फ्लो कर रही है तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है 4 ओम के, वो वी पी और वी एम है। पोटेंशियल डिफरेंस वी पी माइनस वी एम है, तो आप लिख सकते हो कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों पॉइंटों के बिटवीन, वो अगर हम लिखें तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स पी एंड एम, ये लिख सकते हो आप वी पी एम, दैट मीन्स वी पी माइनस वी एम, ये पोटेंशियल हो गया, ये भी पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वी बराबर आई आर, ये वी पोटेंशियल डिफरेंस होता है बेटा बिटवीन टू पॉइंट्स पर आई करंट। तो ये देखो, इस 4 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो करंट है आपका 1 और रेजिस्टेंस है 4, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 4 वोल्ट। देखो, तो इसका मतलब इन दोनों पॉइंटों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया हमने, सीधा आ गया 4 वोल्ट। इसके अक्रॉस 4 वोल्ट है, इसके अक्रॉस भी 4 वोल्ट होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, है ना। तो इन दोनों पॉइंटों के क्रॉस भी 4 वोल्ट होगा, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट का पोटेंशियल सेम है बेटा। तो इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकल आया 4 वोल्ट, मतलब ये टोटल वोल्टेज आ गया एक तरह से 4 वोल्ट। अब जरा देखो, अगर यहां से करंट चलती आई ऐसे, तो दो भागों में टूटती, इधर जाती मान लो आई टू और इधर जाती आई वन ऐसे, और यहां से आई टू फिर अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड होता, उसकी जरूरत नहीं है। ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। अगर इन दोनों को मैं एक कर लूं तो ये दोनों पैरेलल में हैं, तो पैरेलल में आर इक्विवेलेंट लिख लें, आर डैश लिख लेता हूं, इन दोनों का पैरेलल कर लेता हूं, तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 डिवाइड बाई 0.5 प्लस 0.5, ये मैंने इससे कर दिया, आर डैश बराबर आर वन आर टू डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू। आप चाहो तो 1/r = 1/r1 + 1/r2 करना, उसे सॉल्व करके यही आता है, दो रेजिस्टेंस के लिए वैलिड होता है ये। तो ये हो गया 0.25 और ये हो गया 1, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 0.25 आ गया आपका, दैट मींस 1/4 लिख लेता हूँ, 1/4 ओम 0.25 होता है आपका, इसका डिवाइड करोगे तो 1 इतना होगा। ये दोनों को अगर मैं सीरीज में कर लूँ, सॉरी पैरेलल में कनेक्ट कर लूँ, तो ये 1/4 आया ऐसे, और ये पॉइंट है आपका कौन सा वाला, ये पॉइंट पी है, है ना, और ये जो आपका है ये 1 ओम है, और ये पॉइंट एन है, और ये इस तरह से यहाँ पे एक पॉइंट है एम, है ना। और इन दोनों पॉइंटों का पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है, इधर करंट आ रही है मान लो कितनी आई वन, है ना, तो इस ये दोनों रेजिस्टेंस किस में बेटा, सीरीज में, तो इन दोनों का सीरीज एक कर लेंगे तो कुछ डायग्राम इस तरह से बन जाएगा, ये पी पॉइंट और ये आपका एम पॉइंट, और इसमें करंट अगर इसमें आई वन है तो इसमें भी आई वन होगी सीरीज में, और इसमें भी आपकी आई वन, और ये सीरीज कर लें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आया सीरीज में करके, इस वाली ब्रांच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, पूरे सर्किट का नहीं केवल इस ब्रांच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आया, ये आया कितना
एक बटे चार प्लस एक, तो ये हो गया 5/4 ओम। तो देखो अब इसका रेजिस्टेंस 5/4 ओम है, और अगर मैं वी पी और एम का पोटेंशियल डिफरेंस भी मेरे को पता है 4 वोल्ट, तो इसमें कितनी करंट निकली है वो निकाल सकते हैं। तो आई वन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, तो ये आपका 4 वोल्ट है और ये 5/4, चार ऊपर पहुंच जाएगा, तो 16/5 एम्पीयर करंट जा रही है इसके अंदर। तो देखो इसमें करंट निकल आई हमारी, और इसमें करंट निकल आई तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना इन दोनों पॉइंटों का, इस 1 ओम के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस, तो एन और एम के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो फाइंड आउट करना है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे वी एन एम, एन और एम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो एन ओम एन और एम में फ्लो करने वाली करंट, और एन और एम के क्रॉस कितना रेजिस्टेंस लग रहा है आर वन, 1 ओम, 1 ओम लग रहा है, तो ये हो गया 16/5 × 1 वोल्ट। दैट मीन्स सॉल्व करेंगे तो 3.2 वोल्ट, इसलिए इसका आंसर जो होना चाहिए वो 3.2 वोल्ट होना चाहिए। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।